वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। सो क्लास 9th, आपको एक वीडियो अभी आपने देख लिया होगा, आपको मिल चुका है। नहीं देखा तो जाकर के पहले उसको देखिए, फिर ये नेक्स्ट हम लोग इस पे मूव करेंगे, ठीक है। दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ टिश्यू, चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9th, ठीक है। तो हमने वहाँ पर डिवीजन किया था, ठीक है। पहले हमने टिश्यू के बारे में जाना, टर्म जाना कि कहाँ से आया था, ठीक। फिर हमने ये भी देखा था कि स्टडी ऑफ टिश्यू और उसको हम उसके फंक्शंस को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम मूव कर रहे थे तो हमने देखा कि टिश्यू दो टाइप के होते हैं, जो प्लांट में होते हैं उनको प्लांट टिश्यू, जो एनिमल में पाए जाते हैं उनको एनिमल टिश्यू, ठीक है। अब हम जो ये आपको वीडियो मिल रही है, ये ब्रॉड मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू है कि प्लांट टिश्यू कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था इसके पहले वाले में, कि ऐसे टिश्यूज भी होते हैं जो ग्रोइंग होते हैं, ठीक है, जिनमें ग्रोथ या जो डिवाइड होते हैं, तो उनको हम डिवाइडिंग टिश्यू भी बोलते हैं। क्योंकि आप जानते हैं ना, प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है, इतने छोटे से प्लांट बड़े हो जाते हैं, मैंगो ट्री की तरह बड़े, बनियन ट्री, बिग बनियन ट्री, पीपल ट्री, ये सब हो जाते हैं ना, तो वो कैसे होता है, दैट मीन्स कि उनके अंदर कोई ना कोई ग्रोथ होती है और ग्रोथ के लिए कोई ना कोई टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। तो वो जो टिश्यूज होते हैं वो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होते हैं, जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, इन्हीं को हम ग्रोइंग टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिनका कोई रोल नहीं होता डिवीजन में, वो सिर्फ होते हैं प्लांट में सपोर्ट करने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, उनको हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। एक खास बात, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज जो होते हैं, ये ही, जैसे मान लीजिए बहुत सारे मेरिस्टमैटिक टिश्यू हैं, ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये मेरिस्टमैटिक टिश्यूज हैं, ये क्या है, इनको हम डिवाइडिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं, इनको मेरिस्टमैटिक टिश्यू बोलते हैं। ये जब अपना कैपेबिलिटी जो होती है वो लूज कर देते हैं, जैसे अभी डिफाइन करते हैं पहले मेरिस्टमैटिक टिश्यू को, दोज टिश्यू विच हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड आर नोन एज मेरिस्टमैटिक टिश्यू, है ना, टिश्यूज विच हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड टू फर्दर डिवाइड आर नोन एज मेरिस्टमैटिक टिश्यू, ठीक है। परमानेंट को क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यूज विच लॉस देयर कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन या डिवीजनल कैपेबिलिटी, वो अपनी डिवाइड करने की टेंडेंसी या अपनी कैपेबिलिटी खो चुकी होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू, और वो सिंपली बैठ जाती हैं परमानेंट। जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं हमारे घर में, क्या वो पहले काम नहीं करते थे, करते थे, पर एक टाइम के बाद 60 ईयर्स के बाद वो रिटायर हो जाते हैं और सिर्फ घर पे बैठते हैं, घर के सारे जितने भी मूव ना करने वाले काम होते हैं, ज़्यादा एनर्जी वाले काम नहीं होते, वो करते हैं, ठीक है। बट स्पेसिफिकली जो 60 ईयर्स के बाद में कहीं भी कोई भी सर्विस नॉर्मली गवर्नमेंट में या ज़्यादातर 60 ईयर्स के बाद में नहीं करता है कोई, हाँ बिजनेस प्लान और बिजनेस अलग बात है। तो उसी तरह से यहाँ पर होते हैं कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू जब अपनी डिविजनल कैपेबिलिटी खो देती हैं, ठीक है, लॉस डिविजनल टेंडेंसी, उसके बाद में जो यही मेरिस्टमैटिक टिश्यू सेम एज इट इज स्ट्रक्चर में, ये क्या बन जाती हैं, ये परमानेंट टिश्यू बन जाती हैं। तो हमने आज ये जाना कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू ही होती हैं जो बाद में क्या बनती है, परमानेंट, ठीक है। मेरिस्टमैटिक टिश्यू के अंदर टिश्यूज जो होते हैं, उसके जो सेल्स होते हैं टिश्यूज के अंदर, जब डिविजनल कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं, ठीक है। इनको डिवाइडिंग ग्रोइंग कहते हैं, आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। तो जो ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं या मेरिस्टमैटिक टिश्यू होते हैं या डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं, वो कहाँ कहाँ, वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। तो एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं ये अपेक्स बोलते हैं इनको, अपेक्स पे पाए जाते हैं इनकी, इनके लोकेशन के हिसाब से इनको अरेंज किया गया है। मेरिस्टमैटिक टिश्यू का यहाँ पर लोकेशन के हिसाब से, यानी कि कौन सा मेरिस्टम कहाँ पाया जा रहा है, उसके हिसाब से तीन तरह के होते हैं। जो अपेक्स पे पाए जाते हैं उनको एपिकल, ठीक है। जो गिर्थ को बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है तो इसकी मोटाई को जो बढ़ाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लेयर आ जाए चारों तरफ, एक लेयर और आ जाए, एक लेयर और आ जाए, ठीक है। जैसे हम टेपिंग करते हैं तो इसके ऊपर हम कोटिंग कर दें ब्लैक टेप की, ठीक, फिर एक कोट और कर दें ब्लैक टेप की, तो दैट मीन्स वो गिर्थ को बढ़ा रहा है। उसी तरह से वो जो ग्रोथ होती है मोटी, जैसे आप देखते होंगे जो आम का पेड़ होता है पहले वो पतला होता है, उसकी गर्थ बढ़ती जाती है और एक टाइम पर आता है बहुत काफ़ी उसकी जो ये वाली चीज़ें होती है, मतलब बेसिकली गर्थ होती है प्लांट की, वो काफ़ी बढ़ जाती है। क्यों?
क्योंकि उस वो इंटरकैलरी वहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टम्स होते हैं, वहाँ पर ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं जो गिर्थ को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो गिर्थ को बढ़ाते हैं उनको इंटरकैलरी बोलते हैं, और जो लेटरली ये चीज़ बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो डिवाइड है उसको लेटरल मेरिस्टम, क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टम्स बोलते हैं। जो मिड पे पाए जाते हैं उनको इंटरकैलरी, और जो लास्ट में यानी कि लेटरली अरेंज होते हैं उनको लेटरल मेरिस्टम्स बोलते हैं। लेटरल मेरिस्टम और ये दोनों ही गिर्थ को बढ़ाने का काम करते हैं, पर ये जो लेटरल होता है ये ऊपर भी डिवाइड होता है और इधर भी डिवाइड होता है, ठीक है। अपेक्स का अपेक्स में जो एपिकल होते हैं तो ये बेसिकली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये रूट है, ये रूट है, तो यहाँ टिप पे कौन से होंगे, मेरिस्टमेटिक टिश्यू होंगे, ये आगे डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे डिवाइड करेंगे, ये जो रूट है ये और बड़ी हो जाएंगी, फिर यहाँ पे भी होंगे तो यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे और बड़ी हो जाएंगी, ऐसे यहाँ पे फिर पाए जाएंगे यहाँ से और बड़ी। तो बेसिकली जो लेंथ होती है रूट की या शूट की या जहाँ पे भी प्लांट की जो लेंथ होती है वो कौन बढ़ाता है, एपिकल मेरिस्टम। तो ये क्या करते हैं, लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। ये दोनों मिलकर के गर्थ बढ़ाते हैं। एक जो कॉमन एग्जाम्पल है जो सब में पूछा जाता है वो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि ग्रासेस में कौन से मेरिस्टम पाए जाते हैं, जो हमारी ग्रीन ग्रास होती है फील्ड में लगी होती है उसमें कौन सा मेरिस्टम उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एपिकल, इंटरकैलरी या फिर लेटरल। तो उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस, ठीक है। ग्रासेस में कौन सा मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, याद रहेगा ना पक्का, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ठीक। तो ये गर्थ बढ़ाते हैं, अब आइए लोकेशन थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। मान लीजिए प्लांट है तो इसके अपेक्स पे एपिकल मेरिस्टम पाया जाएगा, ठीक है। ये जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं शेडेड पार्ट, ठीक है, एक जो जिसको हम कहते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये जो लाइन बनी हुई है इसको इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं, और जो लास्ट में ये जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारा लेटरल मेरिस्टम, ठीक, जो लेटरली अरेंज है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो ये था हमारा मेरिस्टमैटिक टिश्यू का डिवीजन। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू आर दोज टिश्यू व्हिच लॉस या व्हिच लूज देयर कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, ठीक है, या टेंडेंसी टू डिवाइड, ठीक है, ये लूज कर देते हैं। तो बेसिकली ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू से ही बन करके आते हैं, ठीक है। इनको ही हम ऐसे भी कह सकते हैं ओल्ड मेरिस्टमैटिक टिश्यू, ओल्ड मेरिस्टमैटिक टिश्यू, क्योंकि ये पुराने मेरिस्टमैटिक टिश्यू होते हैं जो आगे चल के क्या बन जाते हैं, परमानेंट बन जाते हैं। अब इस स्पेसिस पे दो होते हैं हमारे सिंपल, इनके बेसिकली स्ट्रक्चर पे डिफाइन किया है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर इनको फर्दर डिवाइड किया गया है दो टाइप में, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट वो होते हैं जो कि सिंपली, जिनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है, जिनमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, सिंपली अरेंज, जैसे लेयर बाय लेयर वो अरेंज होते जा रहे हैं, ठीक है, लेयर बाय लेयर एक ही तरह के सेल्स हैं, लेयर बाय लेयर वो अरेंज होते जा रहे हैं, ठीक। तो उसको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक। और जब कॉम्प्लेक्स परमानेंट, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनके स्ट्रक्चर में, उनके फंक्शन में, जैसे जाइलम है तो जाइलम देखिए कितने सारे इसके टाइप हैं, जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, यानी कि ट्रैकीड्स, वेसल्स, फाइबर और पैरेन्काइमा चार मिल करके तब एक जाइलम को बनाते हैं, चार मिल करके एक जाइलम को बनाते हैं और चार मिल करके जाइलम का एक फंक्शन पूरा करते हैं। इसी तरह से चार वहां पे भी हैं जो फ्लोएम का फंक्शन और स्ट्रक्चर पूरा करते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, चार चार इसके फर्दर डिवीजन है, जबकि ये सिंपली अरेंज होते हैं। जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनकी सेल्स ज्यादातर ओवल या सर्कुलर शेप की होती है और वो लूजली अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं, लूजली मतलब इतने थोड़े से इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें, इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका शेप जो होता है ये सर्कुलर भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, मतलब कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था इनका बेसिकली स्ट्रक्चर। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, सॉरी इट्स नॉट परमानेंट, इट्स पैरेन्काइमा, आई एम सो सॉरी, पैरेन्काइमा, ठीक है। तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा परमानेंट का फर्दर डिवीजन है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन डिवीजन होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होते हैं ये लूजली अरेंज होते हैं, ठीक है। ये जो पैरेन्काइमा होते हैं ज्यादा से शीट बनाते हैं, शीट समझते हैं आप, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर या जो पतली लेयर होती है आउटर मोस्ट किसी भी ऑर्गन की जो कि प्लांट में पाए जा रहे हैं, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो ज्यादातर किससे बनी होती है,
इससे पैरेन्काइमा से, और जहाँ पर लूजली यानी कि जहाँ पर आप देख सकते हैं लूज स्ट्रक्चर हो या ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो, बहुत ज्यादा हो, ठीक है, वहां पर क्या होते हैं, पैरेन्काइमा होते हैं। अब पैरेन्काइमा कभी कभी मॉडिफाई होकर के क्या करते हैं, उनके अंदर बॉयंसी आ जाती है। तो पैरेन्काइमा जब मॉडिफाइड होकर के क्या क्या दो टाइप में कन्वर्ट होते हैं, पैरेन्काइमा जब मॉडिफाई होते हैं तो ये एरेन्काइमा बन जाते हैं किसी किसी प्लांट में, और यही मॉडिफाई होके क्लोरेन्काइमा बन जाते हैं, कोलेन्काइमा नहीं, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा, ठीक है। एरेन्काइमा को हम फर्दर इस तरह लिख सकते हैं कि पैरेन्काइमा अलोंग विथ एयर कैविटीज। जब पैरेन्काइमा जो लूजली बाउंड होता है ना, उसके अंदर एयर कैविटीज आ जाए काफी, जैसे ये स्पेस काफी आ जाए, जैसे ये जो आप स्पेस देख रहे हैं इसको एयर कैविटी बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एरेन्काइमा। और जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल आ जाए, ठीक है, पैरेन्काइमा में जब क्लोरोफिल आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा, ठीक है। तो पैरेन्काइमा में जब क्लोरोफिल आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा विथ एयर कैविटी आर नोन एज एरेन्काइमा, एंड पैरेन्काइमा विथ क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरेन्काइमा, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड है, ये बेसिकली पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशंस हैं। अब ये कब कब होते हैं बताते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनमें जो पानी में प्लांट पाए जाते हैं उनमें बेसिकली जो स्टेम्स होते हैं उसमें एयर कैविटीज होती हैं, ताकि उनकी उनको वो क्या करती है, एयर कैविटीज बोयंसी में हेल्प करती हैं। बोयंसी क्या होती है, तैरने में, ठीक है। वरना क्या होगा कि नॉर्मली प्लांट क्या हो जाएंगे, उसमें डूब सबमर्ज कर जाएंगे, डूब जाएंगे, सिंक कर जाएंगे। तो उसमें एयर कैविटीज होने की वजह से, एरेन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट होने की वजह से बोयंसी मेंटेन रहती है और वो इजिली वहां पर खड़े रहते हैं स्टेशनरी पोजिशन में। क्लोरेन्काइमा कभी कभी ऐसे भी पैरेन्काइमा होते हैं जिनको, जिनमें क्लोरोफिल रहना जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं सनलाइट का रोल होता है, ठीक है। तो ऐसे पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो जाता है उनको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं वो भी। अब आते हैं हमारे कोलेन्काइमा, ठीक है। तो कोलेन्काइमा ऐसी होती है, पॉलीगोनल शेप की होती है। कैसी होती है, पॉलीगोनल शेप की होती है, ठीक है। और इनके जो ये कॉर्नर्स होते हैं वहां पर डिपोजिशन होता है सब्सटेंसेस का, ठीक है। क्या होता है, डिपोजिशन होता है सब्सटेंसेस का। ये डेड नहीं होते हैं, ये लिविंग होते हैं, ठीक है, ये लिविंग होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, आपने लीफ देखी है, तो लीफ की जो पेटियोल होती है, यानी कि जैसे आपने बेसिकली जो लीफ अगर तोड़ी होगी तो ये जो स्ट्रक्चर होता है पेटियोल, ठीक है, ये क्या, ये जो होता है ये किससे बना होता है, कोलेन्काइमा से बना होता है। क्योंकि कोलेन्काइमा का जो फंक्शन होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी, जहां जहां प्लांट पार्ट में आप फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब तोड़ने पे आसानी से टूटे ना, मुड़ जाए, ठीक, मुड़ जाए वो, तो वहां पर कोलेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इनका क्या होता है, ये स्ट्रांग होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, काफी स्ट्रांग होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब स्क्लेरेन्काइमा, ये बेसिकली ये भी पॉलीगोनल शेप के होते हैं, फाइबर्स इसका एक टाइप है, तो वो अलग, उसका स्ट्रक्चर दूसरी तरह होता है, लेकिन नॉर्मली इनको हम इसी तरह बनाते हैं। इनमें पूरे में लिग्निन का डिपोजिशन होता है, पूरे में लिग्निन का डिपोजिशन होता है, इसीलिए ये डेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा एक ऐसा, तीनों का मतलब सब में से स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, डेड टिश्यूज होते हैं। आपने कोकोनट देखा है, कोकोनट के बाहर जो जूट टाइप का या जो ब्राउन कलर का जो उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज से बनता है। जो आप जूट की रस्सी देखते हो वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज हैं, जो बेसिकली प्लांट पार्ट में जो डेड मटेरियल बने होते हैं, जो डेड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। क्या होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। और बेसिकली वो मैकेनिकल सपोर्ट, जैसे कोकोनट अंदर सॉफ्ट है तो उसको बाहर से मैकेनिकल टिश्यूज स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट। आप जितने भी नट्स खाते हो, आलमंड है, आलमंड के ऊपर जो बाहर हस्क होता है, जो टाइट कवरिंग होती है, वो क्या होती है, किसकी होती है, स्क्लेरेन्काइमा की होती है। जितने भी आप अखरोट खाते हो, अखरोट को तोड़ के खाते हो ना, तो उसके ऊपर जो लेयर होती है हार्ड, वो किसकी होती है,
वो हमारे स्क्लेरेन्काइमा की होते हैं, जहां जहां मतलब ऐसे प्लांट पार्ट जिनको हम जो फूड में प्रेजेंट तो होते पर उनको हम खाते नहीं और बहुत हार्ड भी होते हैं, तो वो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रांग होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को और डेड होते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स आता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का जो मेन रोल होता है वो क्या होता है, फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। इन दोनों टिश्यूज को हम ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है, ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है, फॉर फूड ट्रांसपोर्ट। अब जो सोचने वाली बात है वो ये है कि ये रहा स्टेम, ये रही इसकी रूट्स। ठीक है, ये जमीन के नीचे है। ठीक, अब जो नेक्स्ट बात ये है कि पत्तियां इसकी यहां होंगी। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बनता है वो कहाँ बनता है, लीफ में बनता है। दैट मीन्स फूड का जो ट्रांसपोर्ट होगा लीफ से अदर पार्ट में होगा। कहाँ से होगा, लीफ से अदर पार्ट में, क्योंकि खाना तो लीफ में बनता है लेकिन जरूरत तो सबको है ना, रूट्स को भी, स्टेम को भी है, ऊपर अपेक्स पे भी है, तो लीफ से बाकी पार्ट पे ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन जो पानी होता है वो सॉयल से जाता है, तो ये कहाँ से जाता है, सॉरी वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये रूट से अदर पार्ट में होता है। ठीक है, रूट से अदर पार्ट पे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, फूड कहाँ से, लीफ से अदर पार्ट में होता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। जाइलम जो होता है ये वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ट्रैकिड वेसल्स, जाइलम फाइबर। और अब देखिए इसके चार टाइप होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ये आगे फर्दर हमारे पास अगर मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं इसको कि बेसिकली इनके स्ट्रक्चर सारे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फ्लोएम जो होते हैं ये फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो सीव ट्यूब्स होती हैं, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, ये चार चार टाइप होते हैं इनके। ठीक, अब बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में से कौन सा डेड होता है, तो स्क्लेरेन्काइमा होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट पार्ट में, कोलेनकाइमा होता है। एरेन्काइमा क्या होते हैं, ठीक है, या एयर कैविटीज किस में प्रेजेंट होता है, तो पैरेन्काइमा प्लस एयर कैविटीज एरेन्काइमा बन जाते हैं, उनके अंदर एयर कैविटीज होती हैं। कुछ पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है, उनको क्या कहते हैं, तो क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, क्लोरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन रखिएगा। ठीक, दूसरी बात, जो नट्स होते हैं उनकी जो उनका जो हस्क कवरिंग होती है, जो हार्ड शेल होती है, वो किससे बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमा से बनी होती है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, और परमानेंट टिश्यू किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मॉडिफिकेशन होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो डिवाइडिंग कैपेबिलिटी जब खो जाती है तो वो परमानेंट बन जाते हैं, तो बेसिकली ये मॉडिफाइड होकर क्या बनाते हैं, परमानेंट टिश्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडिफाइड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो क्या, वो परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है या नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इसके आगे बेसिकली सारी चीज़ें डिस्क्राइब करके आगे लिखेंगे, एनिमल टिश्यू देखेंगे, फिर फर्दर एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस और हमारा मस्कुलर, सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।